प्रेजेंट बाय डीएससी लाइव कवरेज के पियर का लोग नहीं मालूम आवे जने नहीं आएगा तो अपन अशो करा गाय का ग्वाल से निवेदन कर लांगे हे नापा ग्वाल तुम्हारा शांत में चाल माता साडू गुजरी कहीं तो गायारा ग्वाल नापा ने केवे और कहीं नापो ग्वालियो सुने हे अरे राणा जी ने फौजी सजैली नापा ये हो अरे चाल पीहर के ये भाई ग्वालिया सुन ले मारी बात अपन चाला मारा पियर मालवा के माये। अच्छा एक बात और है के साडू माता एक समय वाती ग्वाल रोज पगे लागता था और एक समय वो आयो के माता साडू के हाथ जोड़ना पड़िया ग्वाल भाया सगली गाय साथ में ले ले। अब उस समय पर माता साडू वहां से पत्र देखो ग्वाल ने केबा लागी नापा चाल पियर के माए तो सुख का सब साथी मेरे बहन भाई दुख में ना कोई और जो सुख दुख में साथ दे दे उस तो सच्चो मित्र रहे। नापा ग्वाल ने कही दी अब का साल में आपकी गाय में छोटा छोटा बासरू बना है लाल गाय चली जाएगा पर बासरू से नहीं चलाएगा माता मैं नहीं चलांगा था कि लारण सुनी करी मेल से बाहर निकली गो जब तक माता साडू वहां से रवाना हुई और कहां गई है छोचू भाड़ जी के पास। छोचू भाड़ जी बगड़ावता का भाड़ था कई माता साडू छोचू भाड़ से निवेदन करे हे अरे राणा जी ने फौज सजाली सुन ले छोचू बात बहते अब पियर वाले चालो बाबा अरे सुन लो ध्यान लड़ाए Thank you.
चालो मारी गोद को लालो बचाई दो। बाड़जी ने भी मना कर दियो, 80 साल की मारी उम्र होगी है माता, मारा शीश पर आ गई है सफेती, मुख में मारे नी है बत्तीसी, अब मार से चलायो, अब मुंह तो थाका हाथे नी चाल सकूं। साडू माता केवा लगी, अरे भाड़जी ऐसो कहीं करे रे। बाड़जी बोलियो, मारे मारा नाना बाका मा जानो सुसनेरी नागोर मेड़ता का पास में। माता साडू बोली, बाड़जी चलनो पड़ेगा। बाड़जी ने स्पष्ट मना कर दियो, मैं नहीं चल सकता, नहीं चलेगो। हाँ तो साडू माता के तन बदन में आ गई कई सती केर, कई बाबा भाड़जी आरे सब बगड़ावती रण में डूब गया, तू गोटी में जिंदा रे क्यों जी,
समय पर माता सतवंती साडू गुजरी, देखो जो है बारंबार सचिव भाट जी से निवेदन कर रही एक उड़का बाबा भाट जी धार से मारे एक निवेदन है, यहां से अपनी सारी गाया सहित और मारा देव नारायण सहित अपन पियर मालवे चाला रे, ए भाट जी मेरे बुरे दिन पार हो जाएंगे, ये समय मेरा निकल जाएगा, आप पधारो भाट जी। राणा जी ने फौज सजाई ली, महाराज देव नारायण समाप्त कर देगा। जय हो। यह बात सुन करके सचुवार जी कहीं के बाला गो मां, आप कथा पर भी सब ध्यान दीजिएगा। साडू जी मुंह तुम्हारा साथे नहीं चालू, मारे भी नागौर सुसनेरी जानो तो माता साडू बोली, ए बेरी सब बगड़ावत खपीगा, ओना दन तू भी खप जातो, आज या बात के बा में नहीं आती। सचुवार जी के भी कान से नहीं है, सत्य के भाट जी कलंक लगा रही हो, सत्य के मालूम होते सत्य के कमल का फूल भी देव नारायण आया है, पर फिर भी माता साडू के कलंक लगायो है। अरे बिना पति के थाने अरे पुत्र जायो, और राजा भोजी के दाग लगायो, महाकाली मंदिर में आजा, घर घर बाज रहा बाजा,
परमेश्वराणी पहाड़ा वाली मंदिर में आ जा हरा घर आइए आप श्री की ओर से देवगादी का पूजन बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी ध्यान दीजिएगा मोना जी महाराज की जय हो। और मैं तो देव महाराज से यही प्रार्थना करूं कि आपका भाव भगवान के चरणों में इसी प्रकार बना रहे और आप सभी को आप सभी के घर दिन दोगुना और रात चौगुना भगवान की कृपा सदैव गुरु महाराज की दया देव महाराज की दया बनी रहे। अबे और दूसरी बात एक और है। आज ही जब मैं गांव से निकलियो तो मो एकदम याद आई मैंने पेंटर साहब के फोन करियो मैंने की एक निवेदन है मारो उनके बोलो गुरुदेव कसो मैंने की आप इतना खर्चो मत करो क्योंकि जहां अपना भाव होता है वहां ऐसी बातें बोलना जरूरी होती है अपने वालों के लिए। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि नहीं आप इस बारे में नहीं बोलोगे मुझे भगवान बहुत देता है। बोले और कहीं अगर कहीं जा ठेका पे बैठ जाता तो इनकी यह बात भी सही है। तो यह आपका भाव है और इस भाव की पूर्ति भगवान देव नारायण सदा करेगा ऐसी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं। अब उसी समय पर मेरे बहन भाई अच्छा एक बात और है आप असो मत सोच लीजिए कि मैं किसी की बड़ाई कर रहा हूं नहीं जो वास्तविक बात है वह यहाँ व्यासपीठ से कहनी जरूरी है नहीं तो हमारे लिए तो आप सभी एक समान हो। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बहर। कबीर थारी झोपड़ी गल कटियन के पास जो करे सो भरे तू क्यों फिरे उदास। और आप तो सब सदा से गुणी जन लोग हो आप तो सब गुणी जन लोग हो आपको अशून्य जाए कि मैं सूर्य के दीपक बता दे आप सब सूर्य हैं कहीं ना कहीं दास के बुखार बिंद से अगर कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाए तो आप सबको बालक समझ के मैंने माफ कर दूंगा क्योंकि अभी बोलो जी भी सीखे अगर ईमानदारी की बात मानो तो क्योंकि आज तक अशोक मन में ही नहीं आयो कि अपन कथा कह रहा आज तक अशोक नहीं आयो कि कौन कहीं है। और भगवान से यही प्रार्थना और तमाम सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप भी सब भगवान से यह प्रार्थना कर जो कि कभी वो नहीं आई जाए कि मैं नहीं तो म्या म्या कर मर जावे गो। हाँ बकरा की माँ कतरा लंथा बता रहे
जननी जन्मभूमि से आपके गांव मंगलाज में ये रहने वाले तो हमारे मालाखेड़ी के ही हैं और इनको और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। ये मेरे रक्षाबंधन मामा जी भी हैं और जो सच्चो जो अपनो रिश्तो रहनी वो रिश्तो तो सगो रिश्तो तो है वहां तक रही, बाकी जो रक्षाबंधन को रिश्तो उन्हें निभावा तो वो सच्चा से भी ज्यादा रहे। ऐसे हरि जी मालवी जी के लिए जोरदार ताली, धर्मराज गादी का पूजन किया, देव महाराज का आशीर्वाद और महाबली भुणाजी महाराज की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, आपके साथ परिवार में सद्बुद्धि देवे भगवान नारायण, और जहाँ सद्बुद्धि है वहाँ सब सही है, ऐसी में भगवान देव नारायण जी से प्रार्थना करता हूँ। बोलो सदगुरु देव भगवान की जय हो। अब उस समय पर देखो जो है भगवान श्री देव नारायण के लिए माँ निवेदन कर ली तो बाट जी भी कहीं बोलियो बिना पति के साडू तेने पुत्र जायो ये हो और राजा भोज के दाग लगायो। सती तो अब उन्हें मानांगा जो अपना 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 पति का साथ में सती हो करके बड़ जड़ में भस्म हो गई। तू सती नहीं है, बताओ जेकी गोद में गोपाल पधारिया तो यो संसार ना तो कोई को थो ना है ना रहेगा, तो ज्यादा दिल पे मत लीजो। हाँ माता साडू ने विचार करियो कि आज कुल का बाटजी ने अशो बोल बोल दिए तो अब जिंदा रेर कहीं करा, अब सती होने में ही फायदो है। अच्छा जो जीवता जीवती अपने अंदर से काम क्रोध मतलोभ अहंकार मोह मत्सर को मार ले उसे कहते हैं संत। जो जीवता जीवती मरी जाए नहीं, जीवता जीवती मरनो रे, जो जीवता जीवती मरी जाए वो संत रे, और ना तन रूपी तंबूरा में से प्राण रूपी पावनो निकली जाए उन्हें शांत के, उन्हें कहीं कहे के शांत हो गयो। तन रूपी तंबूरा में प्राण रूपी पामणो नी रे तो फिर लोग कहे के तोको 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 तोको, और जीवता जीवती अपने मन को जिसने मान लिया वो संत होता है मेरे बहन भाई। अब माता साडू सती होवाने आई है सतवाड़ा में, गौ माता का गोबर के ठोकर मारियो, जे को नारियल बनी गो उनके गोद में लिया, खारी नदी का तीर पे जावे गाया रा ग्वाल ने केबा लागे, सगड़ी गाया तो साथ में तूने नी लई ना पा कर दी गजब की बात, प्रभात ने बोल बोल जर हो गया जिगर के पार पहले। अब अशो करो रे नापा ग्वाल, चीता चुनिन कर दे तैयार, सती उमा सतबाड़ा के भाई